हेलो दोस्तों, वेलकम टू महेश ट्यूब। महेश ट्यूब में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है, राइट? आप मुझसे महेश टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। महेश ट्यूब नाम से टेलीग्राम चैनल है, एंड जो चैनल का नाम सोनी क्लासेस था उसका नाम अभी चेंज करके करेंट में महेश ट्यूब कर दिया गया है, ठीक? तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप मुझसे इसी पर बने रहें। आज का हमारा टॉपिक है FCRA, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो 2010 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने लाया था, ठीक? ये एक्चुअली क्या करता है कि इसका स्कोप जो होता है ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट द एक्सेप्टेंस ऑफ एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो भी होता है, एंड उन सब चीज़ों को ये प्रोहिबिट करता है जो भी डिट्रीमेंटल टू द नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, जो भी नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट होते हैं अथवा उसके डिट्रीमेंटल होते हैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए, उन सब चीज़ों को ये प्रोहिबिट करता है, राइट? अब देखते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, वो क्या चेंजेस हैं। तो जो नया रूल लाया गया है उसमें इंक्रीजिंग लिमिट है द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। फॉरेन कंट्रीब्यूशन की जो लिमिट पहले 1 लाख रुपये थी पर ईयर, उसको बढ़ा के 10 लाख रुपये कर दिया गया है, राइट? अगला है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डे टू इन्फॉर्म द अथॉरिटी, मीन्स नंबर ऑफ डे टू इन्फॉर्म द अथॉरिटी, पहले जो 30 डेज था अब उसको इंक्रीज करके 90 डेज कर दिया गया है, मीन्स अब विद इन 90 डेज अब आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं, राइट? इंक्रीजिंग द अगला इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंस, 5 मोर ऑफेंस उसको इंक्लूड कर दिया गया। ओनली पहले जो था केवल 7 था, अब 5 और इंक्लूड कर दिया गया है, मीन्स टोटल 12 हो गए। ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट? इंफॉर्मेशन अबाउट बैंक अकाउंट, सॉरी, इंफॉर्मेशन अबाउट बैंक अकाउंट, ये क्या है, जो भी इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन या NGO है उसको 45 डेज के अंदर इन्फॉर्म करना रहेगा। किसको इन्फॉर्म करेंगे? होम मिनिस्ट्री को, याद रखना आपको। कुछ ओमिशन दिए गए हैं जो 13 रूल के अंडर से प्लस बी में दिए गए हैं, ओमिशन ऑफ द प्रोविजन, इसमें कुछ भी जो भी आप डिक्लेयर कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग के थ्रू कि क्या फॉरेन फंडिंग में क्या आपने मंगवाया, क्या फॉरेन फंडिंग हुई, वो सब चीज़ें रूल भी 13 में दिया गया है, राइट? ट्रांसपेरेंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉरेन फंड, नाउ एनी वन रिसीविंग द फॉरेन फंड विल हैव टू फॉलो द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ प्लेसिंग द ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑन रिसीव एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग द इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट रिसिप्ट पेमेंट, ये ध्यान रखना आपको, एंड बैलेंस शीट विद इन 9 मंथ्स ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, राइट? ये सारी चीज़ें क्या क्या, इनकम जैसे होगा, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट रिसिप्ट हो गई, पेमेंट अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, ये आपको विद इन 9 मंथ्स, मतलब फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होता है, कब होता है फाइनेंशियल ईयर क्लोज, 31 मार्च को होता है अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, तो उसके 9 महीने के अंदर आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म करनी रहेगी आपको, राइट? फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता क्या एक्चुअली, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में कोई भी डोनेशन होता है, जो भी डोनेशन डिलीवरी था वह ट्रांसफर मेड बाई फॉरेन सोर्सेस ऑफ एनी आर्टिकल, ये सारी चीज़ें फॉरेन कंट्रीब्यूशन में गिनी जाती है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि नॉट गिवेन एज अ गिफ्ट फॉर द पर्सनल यूज़, जो भी पर्सनल यूज़ के लिए कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं वो इसमें काउंट नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, तो अभी ये मैं जो भी बोल रहा हूँ ये रिसेंट के लिए, राइट? अभी जो चेंजेस हुए उसमें कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं कि इसमें कौन सी चीज़ें काउंट होंगी कौन सी नहीं होंगी। तो देखिए, एनी करेंसी आर सिक्योरिटी कैन फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ द एक्ट थ्रू इट एक्सक्लूड एनी मनी रिसीव्ड बाय वे ऑफ फ्री, अभी जैसा बताया कि कोई जैसे गिफ्ट मिला है, कोई डोनेशन में गिफ्ट मिला है तो वो इसमें नहीं आएगा, तो गिफ्ट एज अ फ्री होता है, तो मतलब जैसे कि बाय वे ऑफ फ्री आर टूवर्ड्स द कास्ट एंड लीव ऑफ गुड्स अथवा सर्विस जो भी हमने प्रोवाइड किया, वो ये चीज़ें इसमें काउंट नहीं होती, राइट? इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि इसमें एक्सेप्शन और किसको दिया गया है, जो NRI होते हैं। NRI मतलब कौन होते हैं? NRI होते हैं, कौन होते हैं NRI? जैसे कि हमारे बहुत सारे इंडियंस कहाँ रहते हैं, UAE में रहते हैं, USA में रहते हैं, इधर मिडिल ईस्ट में काफ़ी सारे रहते हैं, तो ये NRI होते हैं जो इंडिया में आते जाते रहते हैं, तो
इनके लिए ये एक्सेप्शन दिया गया, बट इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं उनको एक्सेप्शन नहीं दिया गया है। देखिए इसमें लिखा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज एज्यूम द फॉरेन नेशनलिटी इज ट्रीटेड एज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, मतलब उनको एक्सेप्शन नहीं दिया गया है, मींस कि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के अंडर ही काउंट किए जाएंगे, राइट। कंफ्यूज आप बिल्कुल ना होना, क्योंकि NRI जो है उनको एक्सेप्शन दिया गया है कि उनके द्वारा जो 10 लाख रुपए पर ईयर वो नहीं काउंट होगा उस FCRA में, वो तो अपना NRI अपने फैमिली को दे रहे हैं, पर ये जो है PIO मीन्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इनका काउंट होगा। प्लीज़ मेक श्योर एंड मेक क्लियर, हु कैन नॉट रिसीव द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ये तो आप इजिली समझ ही सकते हैं कि किसको किसको माना है। रिसीविंग फॉरेन फंड जैसे इंक्लूडिंग द इलेक्शन कैंडिडेट हो जाते हैं, दोज कनेक्टेड विद द रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, आप जानते हैं बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं, जज हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं अथवा एम्प्लॉइज हैं, राइट। एंटिटी ओन बाय द गवर्नमेंट एंड मेम्बर ऑफ द लेजिस्लेचर, मतलब कि मेम्बर ऑफ लेजिस्लेचर का मतलब MP MLA हो गए, ये हो गए सब। पोलिटिकल पार्टी एंड देयर वेयरर्स टू आर प्रोहिबिटेड फॉर रिसीविंग फंड, मीन्स इनको रिसीवल नहीं है, ये नहीं रिसीव करते। क्यों नहीं रिसीव करते दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि जैसे सपोज इलेक्शन कैंडिडेट है, अगर कुछ वहाँ से फॉरेन फंडिंग रिसीव करेगा तो उनके बायस्ड हो जाएगा, उनके फेवर में काम करेगा अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट इंडियन पब्लिक, तो ये इसलिए इन सबको माना रहता है। जज गवर्नमेंट ये सारी जो पोस्ट है ना, ये सब ऐसे ही होती हैं, इतनी क्रिटिकल होती हैं, इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि इनके लिए ये अलाउ नहीं होता है, ठीक। इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लूँ जिससे फंडा आपको क्लियर हो जाए, राइट। विथ रेफरेंस टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 2020 में अमेंडमेंट हुआ है उसके रिगार्डिंग पूछा है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। इट रिड्यूस द लिमिट ऑफ यूसेज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फ्रॉम 50% to 20%, ये चेक करना है आपको। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि FCRA इज इम्प्लीमेंटेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, आप सोचिए थोड़ी देर के लिए फिर इसको अटेम्प्ट करिए। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो पहला स्टेटमेंट है ये पहला है, ये दूसरा है, तो पहला स्टेटमेंट जो है ये पूरी तरह से करेक्ट है। इट रिड्यूस द यूसेज ऑफ कंट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेटन एक्सपेंसेस जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज जो है 50% से 20% कर दिया, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट जो है इम्प्लीमेंटेड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, नहीं, अभी हमने शुरू में ही स्लाइड में पढ़ा, क्या पढ़ा, इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इम्प्लीमेंट करती है, राइट। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है, इसलिए स्टेटमेंट वन हो जाएगा, ए ऑप्शन ए। देखिए अमेंडमेंट ऑफ टू द सेक्शन 7 ये क्या करता है, फॉरवर्ड अ रिसिप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ट्रांसफरिंग द सेम टू एनी अदर एंटिटी, सेक्शन 8(1)(8)(1)(b) विच रिड्यूस द लिमिट ऑफ यूसेज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस फ्रॉम 50% to 20%, मीन्स आप 20% ही आप एक्सपेंसेस कर सकते हैं, और इसको इम्प्लीमेंटेड मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, राइट। तो इस टाइप से आपको फंडे क्लियर रखने हैं। टू द पॉइंट मैं बात करता हूँ, इसलिए जो भी होगा आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा। अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अभी जो नया चैनल, ये इसका नाम चेंज हो गया है तो महेश ट्यूब हो गया है, आपको इसी पर जो भी वीडियोज़ मिलेंगे इसी पर मिलेंगे। अब मैं कोशिश करूँगा कि दिन भर में आपको एटलीस्ट एक वीडियो तो डाल ही दूँ, एक वीडियो आपको प्रोवाइड करूँ। ये वीडियो आपको UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट, बट ये आपको स्टेट PSC में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। और ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर मैं जिस पैटर्न पर क्वेश्चन को फॉर्मेट करूँ या आपके सामने एक्सप्लेन करूँ या टॉपिक को एक्सप्लेन करूँ, तो उसी पैटर्न पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए, ये आप समझ सकते हैं कि एग्जामिनेशन में पैटर्न चेंज होता रहता है। हम 3 स्टेटमेंट दे रहे हैं, 4 स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पता चला 1 स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ जाए, तो ये चीज़ें आपको ना मेंटली आप अवेयर होना चाहिए आपको, और आप अवेयर होंगे मुझे उम्मीद है। तो इसलिए कि आप कंटेंट पर फोकस करें, उनकी टाइप पर फोकस ना करें, राइट, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा अगर आप यहाँ से पॉइंट पढ़ते रहेंगे, तो मेन पॉइंट आप ध्यान रखें।
मैं अगेन आपको बता दूं कि अभी मेरा जो चैनल का नाम है वो चेंज हो गया है, अब क्या हो गया, महेश ट्यूब हो गया है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसी पर आपको PDF भी मिल जाएगी। टेलीग्राम का चैनल भी सेम ही है, तो उस पर आपको PDF मिल जाएगी, वीडियो की लिंक मिल जाएगी, इसलिए आप लेक्चर्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स करें, आपके जो भी इशू रहेंगे तो मैं उनको कोशिश करूँगा सॉल्व करने के लिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप भी आगे वीडियो बनाने के लिए। राइट, थैंक यू।